ऑटो एक्सपो 2023 में हमने एल्ट्रोज रेसर देखी थी रेड कलर में, आज भी हमारे पास है लेकिन ऑरेंज कलर में। लेकिन अब ये द प्रोडक्शन रेडी जो अभी बहुत जल्दी लॉन्च हो जाएगी, इसमें अलग क्या है टाटा मोटर्स की ओर से? एल्ट्रोज सिर्फ दिखने में क्या है, इन्होंने चेंजेस किया है, इंटीरियर में भी कोई चेंज है या फीचर में भी कोई चेंज है? आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे द टाटा एल्ट्रोज रेसर। वेलकम टू दी भारत मोबिलिटी है ग्लोबल एक्सपो, जहाँ पर टाटा मोटर्स ने अपनी बहुत सारी गाड़ियाँ शोकेस की। नेक्सॉन ICNGB की, हैरियर का इलेक्ट्रिक वर्जन जो कि एक ऑल व्हील ड्राइव सिस्टम पर है बेस्ड, उसको भी किया। डार्क एडिशंस भी काफ़ी लॉन्च किए और साथ में द टाटा कर्व भी। अब आज हम बात कर रहे हैं इस टाटा एल्ट्रोज रेसर के बारे में। अब इसकी खास बात यह है कि इसमें आपको 1.2 लीटर का टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन मिलेगा जो कि 3 सिलेंडर यूनिट है। नेक्सॉन में हम उसे देखते हैं 120 PS एंड 170 न्यूटन मीटर्स की टॉर्क वो जनरेट करके देता है। 6-speed मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ ही आएगा। DC आएगा या नहीं अभी श्योर नहीं, बट एटलीस्ट हमें पता है कि मैनुअल ट्रांसमिशन तो अवेलेबल होगी ही। अब इंटरेस्टिंग बात आ जाती है कि इसमें फीचर्स भी बहुत ज़्यादा चेंज किए गए हैं। सबसे पहले डिज़ाइन की बात ही कर लेते हैं। पहले आपको पूरे देखो ऑरेंज कलर एक तो नया मिल रहा है, ब्लैकड आउट आपको इसका बोनट नजर आएगा, वाइट स्ट्राइप्स आपको नजर आएंगी आगे बोनट पे और पीछे रूफ तक भी। और व्हील्स की यहाँ पर बात करें तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको एक बहुत ही स्टाइलिश डिज़ाइन मिल जाता है। फ्रंट में भी डिस्क ब्रेक्स हैं, रियर में लेकिन आपको ड्रम ब्रेक्स ही ऑफर की जाती हैं। अगर आप ओवरऑल इसका डिज़ाइन देख रहे हो तो साइड पे आपको रेसर की बैजिंग भी देखने को मिल जाती है साथ में ये पूरी। बट ये चीज़ मुझे ना थोड़ी कम अच्छी लगती है, जो इसका साइड पे ये पूरा ब्लैकड आउट पैनल है ना, पियानो ब्लैक वाला, ये थोड़ा ठीक ठाक लगता है ऑनेस्टली। अगर पीछे देखेंगे तो लाइट सेटअप तो वैसे ही, कुछ बल्ब कुछ आपको LED सिस्टम्स मिल जाएंगे, नीचे आपको रिफ्लेक्टर्स वगैरह अच्छे, और यहाँ कैमरा आपको देखने को मिल जाएगा, और बाकी आपको मिल जाते हैं यहाँ पर प्रॉपर इसकी डिफॉगर वगैरह सारे फंक्शंस फीचर्स। बट एक फीचर पॉइंट से जो एडिशन किया जाता है वो एक तो स्पॉइलर को एक्सटेंड कर दिया गया है, 360 डिग्री कैमरा मिल जाता है, और ऑफकोर्स एक इलेक्ट्रिक सनरूफ भी आपको एल्ट्रोज रेसर में मिलती है। साइड पर अगर आप ये नीचे वाली क्लैडिंग देखोगे कि ये भी आपको एक्स्ट्रा मिलती है, तो ये कॉस्मेटिक चीज़ें होगी। फीचर्स की बात करें तो जैसे मैंने बताया 360 डिग्री कैमरा, 10.25 इंचेस की टच स्क्रीन आपको मिल जाएगी, फ्रंट में वेंटिलेटेड सीट्स भी है। चलिए बात करते हैं टाटा एल्ट्रोज रेसर के मेजर फीचर्स की। तो सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा कि 1.2 लीटर का टर्बो चार्ज इंजन जो है वो 3 सिलेंडर यूनिट टाटा नेक्सॉन वाला, जो थोड़ा सा रिफाइंड कम है बट वैसे पावर अच्छी जनरेट करके दे देता है। एल्ट्रोज में तो अच्छी एक्सेलरेशन आपको दे ही देगा, तो वो तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, वो तो हमें पता है कि टर्बो इंजन जो एल्ट्रोज का आता है और आएगा भी। DCA के साथ यानी कि ड्यूल क्लच ऑटोमेटिक के साथ भी इसे ऑफर किया जाएगा। फीचर्स की स्पेसिफिकली बात करें तब आपको इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि काफ़ी ज़्यादा फीचर्स मिल रहे हैं। 10.25 इंचेस की टच स्क्रीन है विद एंड्रॉयड ऑटो एप्पल कारप्ले, कनेक्टेड फीचर्स भी ऑफर किए जाएंगे। 7 इंच का डिजिटल क्लस्टर भी यहाँ पर कंपनी प्रोवाइड कर रही है जिसपे सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड होंगी। स्टेयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स होंगे, लेदर रैप स्टेयरिंग व्हील होगा, अंदर भी आपको एम्बिएंट लाइटिंग काफ़ी ज़्यादा दिखेगी। ऐसा नहीं कि थोड़ी सी लाइट लगा दी और उसे एम्बिएंट लाइट बोल दिया, एक्चुअल में एम्बिएंट लाइटिंग स्पोर्टी इंटीरियर में काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है। रही बात इसके और फीचर्स में, तो वायरलेस चार्जर आपको यहाँ पर मिल रहा है, ऑटोमेटिक AC भी मिलेगा, साथ में वेंटिलेटेड सीट्स हैं, हेड्सअप डिस्प्ले आपको ऑफर किया जा रहा है, इलेक्ट्रिक सनरूफ वो भी वॉइस एनेबल्ड मिलेगी, 360 डिग्री कैमरा भी कंपनी आपको यहाँ पर प्रोवाइड कर रही है फॉर बेटर सेफ्टी, बेटर ड्राइवेबिलिटी एंड बेटर कन्वीनियंस एज वेल। साथ के साथ अगर थोड़ा सा पीछे चलेंगे तो आपको रेसर की बैजिंग जो है वो आपको सीट्स के ऊपर देखने को मिल जाएगी, काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रही है, और साथ में रियर सीट्स के ऊपर भी काफ़ी स्पोर्टी एसेंस का इस्तेमाल किया गया, रेसिंग स्ट्राइप्स आपको फ्रंट और रियर सीट्स दोनों में नजर आएंगी, रियर AC विंड्स भी हैं, साथ में आपको रियर आर्मरेस्ट भी मिल रही है। तो इन चीज़ों की वजह से ना गाड़ी जो है कंप्लीट हो जाती है। और अब बूट स्पेस की बात करें तो 345 लीटर्स की बूट स्पेस, 165 mm का ग्राउंड क्लियरेंस, बट हाँ ठीक है देखो वो ग्राउंड क्लियरेंस थोड़ा कम लगता है बट हैचबैक के पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक है। साइड के जो सिल्स ऐड किए हैं, जो गार्निशिंग ऐड की है, उसकी वजह से और थोड़ी हो जाएगी कि नीचे लग सकती है, बट ये है कि थोड़ी और ज़्यादा स्पोर्टी नज़र भी आ रही है, दिखने में बेटर हो रही है। हालांकि जो ऑटो एक्सपो 2023 में हमें दिखाई गई थी टाटा एल्ट्रोज, उसके अलॉय व्हील्स मुझे ज़्यादा अच्छे लगे थे। हालांकि ये अगेन सब्जेक्टिव है, कई बार लोगों को ये वाले ज़्यादा अच्छे लग सकते हो सकता है भारत मोबिलिटी वाले ज़्यादा अच्छे लगे जो अब ऑरेंज भी दिखाई, और कईयों को रेड वाले ज़्यादा अच्छे लगे। रेड ब्लैक वाइट का कॉम्बिनेशन तो हमेशा अच्छा लगता है, ये तो रेड कलर ज़्यादा सूटेबल लगेगा। उसके अलावा फीचर्स तो मैंने आपको ऑलमोस्ट सारे बता दिए, वही क्रूज़ कंट्रोल भी इसमें ऑप्शन जो है वो मिलेगी। तो ये सारे फीचर्स होने की वजह से आपके पास एक फुल पैकेज टर्बोचार्ज इंजन हो जाता है, जो कि बलिनो और i20 को पीछे छोड़ने के लिए काफ़ी है। बट अगेन टाटा को अपनी क्वालिटी पे काम करना पड़ेगा, और थोड़ी रिफाइनमेंट हो जाती तो मज़ा आ जाता।
अब इस एल्ट्रोस रेसर के साथ तीन चार चीजें मैंने अच्छी बता दी, नए फीचर्स भी आ गए, ठीक है, नया आपको ये टर्बो चार्ज इंजन भी जो है वो ऑप्शन जो है वो मिल जाती है, और ऑफकोर्स द नए रेसिंग लुक्स एज वेल। बट पॉइंट ये आता है कि क्या इसकी प्राइसिंग सही रहेगी, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें ऐड कर दी हैं तो ये भी तो बढ़ेगा। अब मेरा मानना ये है कि टाटा एल्ट्रोस जिस तरीके का एक प्रोडक्ट है इतना ज़्यादा अभी सेल होता नहीं है, बिकॉज इसके बहुत सारे क्वालिटी इश्यूज़ रहते हैं। बट अगर इस तरीके की एक एडिशन ऐड की जाती है तो कुछ लोग तो इसके तरफ अट्रैक्ट होंगे, बट वो अट्रैक्टेड रहें उसका सबसे बड़ा रीज़न रहता है कि प्राइस में बहुत ज़्यादा कोई फ़र्क ना आए तो ही। कुछ फीचर्स कम हो जाते फिर भी इतना फ़र्क नहीं पड़ता, बिकॉज रेसर कैटेगरी मुझे नहीं लगता कि इलेक्ट्रिक सनरूफ 360 डिग्री कैमरा वेंटिलेटेड सीट जैसी चीज़ें चाहिए थी। हेड्सअप डिस्प्ले एक फैंसी फीचर चलो अच्छा लग सकता है, बट एनीवेज द पॉइंट इज कि रेसर की प्राइस सही होगी तो डेफिनेटली लोग इसे यू नो प्रायोरिटाइज कर सकते हैं ओवर दी रेसिंग कॉम्पिटिशन और नहीं। तो दिस वॉज एवरीथिंग रिगार्डिंग द टाटा एल्ट्रोस रेसर। आपको कैसी लग रही है नीचे गाड़ी कमेंट करके जरूर बताएं। ये कलर कैसा लग रहा है ऑरेंज वाला बताएं, मुझे रेड वाला वैसे ज़्यादा स्पोर्टी लगा। व्हाट आर योर ओपिनियंस नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। मैं मिलता हूं आप सब अगली वीडियो में। टिल देन ड्राइव सेफ, टेक केयर, लव यू गाइस, बाय बाय।